चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ चैनल के बेल आइकन को भी जरूर दबाओ और इस वीडियो को कर दो लाइक। मैं हूँ चौकड़ी बाबा और आप देख रहे हैं गॉड टेक्निकल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरे काम सीखना आपका, सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पोस्ट को यानी कि शेयर चैट पोस्ट पर आप अपना वाटरमार्क कैसे लगा सकते हो, आप अपना लोगो कैसे लगा सकते हो, इस पर आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों। और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं किसी भी पर्सनल इंक्वायरी के लिए। यहाँ पर आज का लाइक का एम 200 है, आई होप आप उसको जल्द से जल्द उसको कर दोगे। बात करते हैं यहाँ पर आज के टॉपिक की। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकबाद और दिवाली की शुभकामनाएं सभी लोगों को, हैप्पी दिवाली सबको। बात यहाँ पर इस टॉपिक की हो रही थी कि वाटरमार्क, ये क्वेश्चन मेरे को आज से 3 महीने पहले से स्टार्ट हुआ और आज तक चल ही रहा है कि हम किसी भी पोस्ट पर अपना वाटरमार्क कैसे लगाएं। इसकी वजह थोड़ी सी जान लेते हैं। वजह है कि आपके पोस्ट कोई और चुराता है और उसको वो लाभ मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो पोस्ट अपनी क्रिएटिविटी से बनाया था एडिट करके, उसी पोस्ट को कोई और डाउनलोड कर लेता है, उसके बाद उसको क्रॉप करके वो अपलोड करता है और उस अपलोड पर जब आपकी नज़र पड़ती है तो देखते हो कि आपसे कई ज़्यादा मात्रा में उसके व्यूज़ होते हैं, लाइक्स होते हैं और कहीं ना कहीं उस लाइक्स और व्यूज़ की वजह से उसके फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं। आप कर्मा पॉइंट नहीं है, नहीं तो पेमेंट भी उसकी इंक्रीज हो जाती है। बात यहाँ पर यह है कि आप अगर वाटरमार्क अपना लगाते हो तो कोई उसको डाउनलोड भी कर लेगा लेकिन वाटरमार्क आपका ही जाएगा। तो वाटरमार्क कैसे लगाएं, इसके लिए थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। इसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ज़रूरत कुछ ऐसी है कि आपको एक एडिट ऐप चाहिए जो आपकी इमेज एडिट करता हो। आप पिकार्ट, पिक्सल ऐप, बहुत सी एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद कैसे आपको अपना वाटरमार्क लगाना है इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इसके लिए देखेंगे ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कुछ एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास यहाँ पर पिक्सल लैब है और पिकार्ट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है ये। और इसके बाद मेरे को यहाँ पे ये साइज़ है, ये आपका फ्रेम है। अगर आप इस साइज़ को अपना चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप इमेज का साइज़ यहाँ पर कस्टम है। आप किसी भी प्रोफाइल के लिए, प्रोफाइल पिक्चर बनानी है, स्क्वायर में बनाना है, यूट्यूब के थंबनेल बैनर बनाना है या फिर फेसबुक का कवर है, कुछ भी आप यहाँ से अपने साइज़ डिसाइड कर सकते हैं या फिर आप अपने साइज़ को यहाँ पर लिख भी सकते हैं। आपका साइज़ यहाँ पर उतना ही आ जाएगा जितना आपको यहाँ पर चाहिए। तो ये उस हिसाब से यहाँ पर आपका साइज़ आ गया है, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पर नॉर्मल एक साइज़ ले लेते हैं स्क्वायर में, तो यहाँ पर स्क्वायर का ये साइज़ है। अब यहाँ पर हम किसी भी एक पिक्स को उठा लेते हैं। आपके पास अगर PNGs हैं आप PNGs का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गुड मॉर्निंग का एक छोटा सा टैग है, ठीक है, एक गुड मॉर्निंग का यहाँ पर टैग आपको मिल गया। इस टैग को हमें यहाँ पर इस पोस्ट को हमें यहाँ पर ऐड कर लिया है हमने। अब यहाँ पर सवाल है कि यहाँ पर आपको अपना वाटरमार्क लगाना है, ठीक है। अब वाटरमार्क यहाँ पर लगाने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, प्लस का आइकन उठाइए। आइकन उठाने के बाद आपको शेयर चैट का लोगो, ध्यान रहे एक लोगो आप बना लीजिए। आप इसका PNG आपको मिल जाएगा कहीं भी, तो ये मेरे पास इसका पड़ा हुआ है तो मैंने यहाँ से इसको उठा लेता हूँ। ये हो गया मेरा शेयर चैट का PNG, इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। अभी मैं इसको लॉक कर दूँगा, यानी कि मैं अपने बैकग्राउंड पोस्ट को लॉक कर दूंगा। मैं इसको हटाता हूँ, देखिए कहीं भी हटता नहीं है, लेकिन अगर शेयर चैट को हटाऊंगा तो हट जाएगा क्योंकि मैंने इसको लॉक नहीं करा है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल से आपका गुड मॉर्निंग तो हो ही गया है, अब आपको यहाँ पर यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये एक एरो का निशान आपको ही मिलेगा, ये एक एरो है। आपके पास यहाँ और भी बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपल से एक एरो यहाँ पर लेने वाला हूँ। इस एरो में कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि जिस पर मैं अपना नाम यहाँ पर लिखने वाला हूँ या जो भी कुछ यहाँ पर आपको जो अच्छा समझ में आए आप यहाँ पर वो ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी आप अपने नाम के लिए लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चलो यही देख रहा हूँ कि कुछ अच्छा सा यहाँ पर मिल जाए। तो कुछ PNG आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने हिसाब से पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद शेयर चैट का जो लोगो था मेरा, उस लोगो को मैं यहाँ पर इससे फ्रंट कर देता हूँ। ये फ्रंट हो गया मेरा, अब ये मेरा चला गया बैक, ठीक है। ये हो गया शेयर चैट का लोगो मेरा, ये फ्रंट हो ही चुका है। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाने वाला हूँ अभी। ये मेरा शेयर चैट का लोगो थोड़ा सा लगे इससे, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। आप इस PNG को थोड़ा सा और बड़ा कर लें, चौड़ा अगर आपने इसको और करना है तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। इसका साइज़ वाइज आप उसको खुद देख लीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो गया।
कुछ ऐसा करना है जो कि अच्छा भी लगे और दिखने में भी आपका बढ़िया हो। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और मैं यहाँ पर इस पर लाइटिंग वाइटिंग कुछ अच्छे से ऐड करने वाला हूँ ताकि ये और थोड़ा दिखने में अच्छा लगने लगे। ये हो गया, और इस पर भी देख लेते हैं, स्ट्रोक इस पर भी होना चाहिए। खैर, स्ट्रोक है इस पर भी, और इसका स्ट्रोक ब्लैक में करूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आ गया ब्लैक, ठीक है, ये इतना आ गया। अब सिंपल से आपको एक टैक्स ले लेना है। यहाँ पर मैं टैक्स देने वाला हूँ अपना, जो कि मेरा टैक्स है। मैं इस पर अपना हैंडल का नाम लिखने वाला हूँ। ये मेरा हैंडल का नेम है। इसको मैं कलर यहाँ पर करूँगा सबसे पहले ब्लैक कलर, रेड भी कर सकता हूँ, और ब्लैक मेरे को जो अच्छा लगे। मुझे हालांकि रेड करके देख लेते हैं, चलो ब्लैक ज़्यादा बढ़िया लगेगा, बट इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा और हम। और अब हमें इसको इसमें उतारना है, ठीक है जी। ये आ गया अब यहाँ पर हमारा, अब यहाँ पर हम इसको उतार देंगे और देखते हैं फिर कितना अच्छा लगेगा इस पर और ये कितना अच्छा नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि अब आपकी PNG जो भी है, ये अब आप सेफ हैं। आपको कोई भी आपकी इमेज चुराए या फिर कुछ भी करे, आपको अब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी भी चीज़ से, बिकॉज आपका हैंडल का नाम जाएगा और वो कहीं भी कोई छू नहीं सकता। अब ये इस पर हम यहाँ पर ब्लैक कलर देख लेते हैं, जो भी इस यहाँ पर हमें अच्छा लगेगा हम उसको डाल देंगे। ओके, ब्लैक ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, तो ये देखिए ये मेरा वाटर मार्क बन गया दोस्तों। अब इस वाटर मार्क को बनाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान और भी रखना है। इस वाटर मार्क को आपको कुछ ऐसी जगह पर सेट करना होगा जो लोग उसको डाउनलोड करके क्रॉप करना भी चाहें तो आपका वाटर मार्क ना आए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपना वाटर मार्क यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई इतना यहाँ से आपकी इमेज को काट लेता है तो आपका वाटर मार्क चला गया। आप अपने वाटर मार्क को बिल्कुल नीचे बिल्कुल यहाँ पर रख सकते हैं और अपने वाटर मार्क को यहाँ ला के आप इसी वाटर मार्क पर सब कुछ कर सकते हैं। अब सवाल आपका एक है जो तंग करेगा आपको कि यार अब इसमें तो यार ये बहुत बुरा लग रहा है। तो बुरा अगर आपको लग रहा है तो यहाँ से आप आएंगे और अपने इसको हाईलाइट जो होता है आप इसको उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। ये देखें ना, तो ये इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ पर कम करने वाला हूँ। ये आ गया, इसकी मैं यहाँ पर ओपेसिटी कम कर देता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। ये चलिए ये देखें, ये हो गया, और इसके बाद आ जाता है मेरा नाम। मैं अपने नेम की ओपेसिटी आई थिंक कम हो या ना मुझे लगता नहीं, पर कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसकी ओपेसिटी कम हो सकती है कि नहीं। ओके, इसकी भी ओपेसिटी कम हो सकती है, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर मेरा नाम भी है, लोगो भी है और पूरा का पूरा सब कुछ दिख रहा। अब बंदा अगर यहाँ से काटना भी चाहेगा आपका इतना इमेज, तो वो काट के भी आपका नाम नहीं काट सकता। तो ये आपकी इमेज अब PNG जो है टोटल, ये PNG आपकी कुछ ऐसी बन चुकी है। आप अपने हिसाब से इस PNG को और भी अच्छे अच्छे PNG लगा के अपना ये लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक शेयर चैट के लोगों की जो कि PNG का होना चाहिए, सेकंड आपका अपना हैंडल का नाम उसमें डालना है, और थर्ड आप जैसे ही अपना ही मैंने तीर डाला है, आप इस तीर के अलावा कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको शूटेबल, जो आपको अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी हैं अपने वाटर मार्क में, और ये आपके हर एक पोस्ट पर ये वाटर मार्क रहेगा तो आपको बेनिफिट आपके पोस्ट का रहेगा, आपका पोस्ट अच्छा जाएगा भी और आपका नाम हर जगह जा रहा है। तो डाउनलोड भी कोई अगर करके करेगा तो आपका नाम वहाँ पर जाएगा और आपके नाम को लोग सर्च करेंगे क्योंकि आप क्रिएटिविटी पोस्ट बनाते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ ये बताएं कि आप लोग ब्लॉग कहाँ से करते हो, ज़रा हम भी देखें हमारी वीडियो कहाँ तक जाती है। खैर, आज के लिए इतना ही, बस जय हिंद।